हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। आई एम सॉरी, मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया। कल मॉर्निंग में अराउंड 4 o'clock मुझे निकलना पड़ा अर्जेंट काम से, किसी के अर्जेंट काम था, उनके साथ मुझे जाना पड़ा, तो मॉर्निंग में जाके रात को फिर से आना था, तो इसीलिए दिन भर में कुछ भी मैं कर नहीं पाया। दिन भर उसमें बिजी था मैं, और कोई बात नहीं, एक बड़ा अपडेट है। LLP ने बहुत बड़ा सेल इसमें वॉल्यूम किया है, एक LLP ने ब्राइटकॉम ग्रुप के अंदर, उसके बारे में भी बात करेंगे, और फ्राइडे को क्या क्या हुआ उसके बारे में भी बात करेंगे। इसके पहले आपको बता दूं, मंडे के लिए अगर आपको चाहिए होगा जैकपॉट शेयर, जो कि 1 day से 10 days में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में फ्राइडे को 25 rupees 40 paise का हाई लगाया था, 24 rupees 65 paise का लो लगाया, एंड क्लोजिंग दिया 24 rupees 75 paise, जो कि करीब करीब 3% डाउन ही था। ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर फिर से डाउन ट्रेंड में शुरू हो चुका है। ये काफ़ी डिस्टर्बिंग बात है हमारे लिए। जो बीच में उछाल आया था, लग रहा था अभी पिकअप लेगा, बट फिर से बैक टू स्क्वायर वन, नीचे ही नीचे जा रहा है। वॉल्यूम की बात करेंगे तो BSE और NSE मिलाकर अराउंड 4 crore 10 lakh शेयर्स ट्रेड हुए हैं। वॉल्यूम तो ठीक ठाक है, बट डिलीवरी परसेंटेज है ओनली 12%। मतलब इतने सस्ते में भी लोग माल का डिलीवरी लेना नहीं चाहते हैं। जहां तक AMO ऑर्डर का सवाल है, अभी सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है NSE पर AMO, बट ज़्यादा नहीं है, अराउंड 10,000 शेयर्स का सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में। फ्रेंड्स, एक बड़ी बात यह है, 52 वीक लो इसका 23 rupees 40 paise है, अभी है 24 rupees 75 paise। इसको अगर तोड़ता है 23 rupees 40 paise को, तो 20 rupees तक भी जा सकता है ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर। इट टोटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट ऑल्सो। आप जानते होंगे दिसंबर क्वार्टर का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न आया था, उसमें एक बुरी बात यह थी कि हंसराज LLP, ये जो बड़ी इन्वेस्टमेंट थी कंपनी की, सितंबर क्वार्टर में इनका 2.37% होल्डिंग था ब्राइटकॉम ग्रुप में, बट दिसंबर क्वार्टर में पूरा इन्होंने अपना माल बेच दिया और होल्डिंग कर दी थी नील। इसके कारण भी थोड़ा नेगेटिविटी बना हुआ है, क्योंकि काफ़ी मार्केट में ऐसी बात चलती है कि जो LLPs है, ये प्रोमोटर लोगों से कनेक्टेड है, और इन्होंने इतना माल बेच दिया 2.37%, मतलब करीब करीब 4 to 5 crore शेयर्स जो होल्ड करते थे सितंबर क्वार्टर में, उन्होंने दिसंबर क्वार्टर में पूरे बेच दिए। और फ्राइडे को हंसराज LLP ने क्या किया, 91 lakh शेयर्स बाय किए थे एट द रेट ऑफ 24 rupees 96 paise, बट हो सकता है उन्होंने बाय किया होगा ये सोचकर कि ऊपर जाएगा, होल्ड करेंगे, बट नीचे गिरने लग गया फिर से शेयर, और उन्होंने क्या किया, उल्टा ज़्यादा माल बेच दिया 24 rupees 93 paise से, मतलब 3 paise का लॉस लेकर उन्होंने कितने शेयर्स बेचे, 1 crore 9 lakh शेयर्स हंसराज LLP, ये जो इन्वेस्टमेंट फर्म है, उन्होंने बेचा फ्राइडे को ही। मतलब खरीदे थे तो 0.45% शेयर्स खरीदे थे, और बेचे जब 0.54% शेयर्स बेचे, मतलब इन्होंने भी मतलब तुरंत एग्जिट लिया, सेम डे ही, डिलीवरी नहीं उठाई, ये नेगेटिव बात है, बट अराउंड 1 crore के शेयर्स इन्होंने फिर से बेच दिए। तो इसका मतलब ये है कि LLPs भी अभी हिम्मत नहीं कर रही है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स को होल्ड करने के लिए। अगर हंसराज LLP 91 lakh शेयर्स लेकर होल्ड करती थी, तो ये काफ़ी पॉजिटिविटी रहती थी मार्केट में कि हंसराज LLP ने फिर से एंट्री ली है ब्राइटकॉम ग्रुप में, जिन्होंने एग्जिट कर दिया है दिसंबर क्वार्टर में, तो फिर से उन्होंने होल्डिंग बनाई है, ऐसा हमें मैसेज मिलता था, तो तेजी आ सकती थी, बट उन्होंने बाय तो किया, उल्टा 3 paise लॉस में फिर से उन्होंने बेच दिए, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा होगा कि ऊपर जाएगा, इसलिए उन्होंने बाय किया होगा, बट फिर से नीचे जाने लग गया, तो लॉस बुक करने से तो अच्छा है 3 paise का लॉस लेकर उन्होंने फिर से एग्जिट कर दिया ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर में से। तो जब तक कोई बड़ी बाइंग आकर उसका नोटिफिकेशन नहीं आता है, जब तक नेगेटिविटी फैली रहेगी, और इन्होंने बाय कर फिर से सेल कर दिया, तो ये बात भी शेयर के लिए और इन्वेस्टर्स लोगों के लिए अच्छी बात नहीं है, और इसके कारण फिर से इसमें मंदी का माहौल हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि क्या इसका रिजल्ट मंडे को देखने को मिलता है, और अभी शेयर यहाँ से संभल के ऊपर जाता है, या क्योंकि 26 rupees का सपोर्ट तो तोड़ दिया, 24 का तोड़ा, तो फिर से
23 रुपीज़ तक भी जा सकता है। अब देखते हैं कौन सा सपोर्ट लेकर बाउंस करता है। बहुत बार क्या करते हैं ऑपरेटर लोग, थोड़ा शेयर को भगाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जब 11-12% ऊपर गया था, जब बेचने का मौका था, जब लोगों को लगा होगा फिर से वही गलती करते हैं कि तेज़ी में लोग बेचते नहीं हैं और मंदी में बेचते हैं। तेज़ी आती है जब एग्ज़िट करने का चांस होता है, जब एग्ज़िट करते नहीं है। तो हंसराज LLP ने अराउंड 1.09 करोड़ शेयर्स बेच दिए फ्राइडे को बाय करने के बाद तुरंत। तो अब देखते हैं इसका रिएक्शन मंडे को मार्केट में क्या होता है। बट अभी भी LLP फिर से रीएंट्री नहीं कर रही है, ये नेगेटिव बात है। मतलब उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि और भी ऊपर जाएगा, उनको हो सकता लग रहा होगा इसके वो नीचे चला जाएगा, इसलिए उन्होंने बाय कर तुरंत एग्जिट कर दिया ब्रैडकॉम ग्रुप से। मतलब डिलीवरी लेने को अभी भी LLP तैयार नहीं है, और दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने एग्जिट कर दिया। हो सकता है उन्होंने 30 से 35 रुपीज़ के बीच में या 25 से 30 रुपीज़ के बीच में एग्जिट किया होगा, और फिर से एंट्री लेने के लिए वो राइट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होंगे। देखते हैं कि ये एंट्री करने के बाद फिर से बेचे नहीं और होल्ड करे, जब हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि ठीक है फिर से ब्राइट कंपनी ऊपर जाने के चांसेस लग रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।